गिर फॉरेस्ट कैसे कैसे गांव ब्यूटी के साथ से होते हुए मेरे से भरी अपनी तार ये है सोमनाथ। हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुजरात। आज मैं सोमनाथ से करीब 40 किलोमीटर पहले हूँ और अभी 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 12 बजे से पहले पहले अपने वहाँ पे पहुंचे। अभी 10 बज गए हैं, एक घंटे का रास्ता पहुंचने में, एक घंटा दर्शन करने के लिए। अपना यहाँ पे स्टे था, ये कोई गेस्ट हाउस था, बहुत बढ़िया था। एंड ये देखिए इस तरफ पीछे की साइड में नारियल की खेती है। मैं भी रेडी हो चुका हूँ, तबीयत यार अभी भी सो फार सो गुड। देखिए मॉर्निंग में मैं अभी निकला हूँ सोमनाथ के लिए और रास्ते बड़े खूबसूरत आ गए हैं यार। देखिए कितने खूबसूरत से नारियल के पेड़ अपने को देखने को मिल रहे हैं। एंड भाई नारियल पानी लेने के लिए गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा है। एंड थोड़ा सा कैप्चर करते हैं इस ब्यूटी के साथ। लाओ जी लाओ, एक खेत कह लो जंगल कह लो, से होते हुए मैं अभी जा रहा हूँ वापस। वो देखो कितने नारियल लगे हैं, वो देखो यहाँ ऊपर चढ़ के तोड़ के लाना पड़ता है। देखिए कितने खूबसूरत खेत आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए हर तरफ नारियल के पेड़ और बीच में खेती, यार क्या शानदार नजारा लग रहा है दूर से। और ये अपनी थार और वो भी नारियल के पेड़ों के बीच में ही खड़ी है। यहाँ से ये देखिए ये सोमनाथ की पार्किंग, तो यहाँ से आपको 50 रुपीज की पार्किंग कॉस्ट देनी पड़ती है। तो यहाँ मेन मंदिर सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है, सबसे पहले वहीं दर्शन करने जाएंगे। वहाँ शूटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, मेरा फोन जमा हो जाएगा। अभी हम अंदर मत्था टेक के आ चुके हैं, वहाँ फोटोग्राफी जरा सी भी अलाउड नहीं है। अपने मंदिर के प्रांगण में बाहर तक भी कैमरा लेके नहीं जा सकते। यहाँ से कुछ ऐसा नजारा देख सकते हो सोमनाथ टेम्पल। 5 रुपए की टिकट ले हम जा रहे हैं ओशन व्यू के लिए। तो यहाँ से क्या समंदर का व्यू है और उधर से क्या आगे अपना मंदिर का भी थोड़ा व्यू दिख जाता है। वैसे तो मंदिर के क्लोजेस्ट अंदर तो जाने नहीं देते। सोमनाथ का व्यू लेने के लिए आपको एक पीछे ओशन व्यू करके जगह बनी हुई है, वहाँ 5 रुपए का टिकट लगता है पर पर्सन, वहां से आना पड़ेगा। एक तरफ तो समंदर का व्यू है और दूसरी तरफ मंदिर का व्यू है। तो पहले हम आए हैं मंदिर का व्यू लेने के लिए, क्योंकि इतने दूर आए हैं तो आपको कम से कम मंदिर तो दिखाऊं मैं। ये है सोमनाथ टेम्पल जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। वो देखो लहरें टकरा रही है। एंड ये द ब्यूटीफुल सोमनाथ टेम्पल। मैं हूँ अभी इस बीच पे जो सोमनाथ टेम्पल के बिल्कुल पास में है और यहाँ देखो लहरें आ रही है और अपने को टकरा के अपने को छू के वो आगे की तरफ भी चली गई। यहाँ इतना पीस लग रहा है ना, इतना मतलब मेंटल पीस मिल रहा है मेरे को, मैं क्या बताऊँ आपको। तरीके की कैमल सफारी वगैरह भी ले सकते हैं। वो सामने की साइड में सोमनाथ टेम्पल। ओ इस बार लहरें तेज आई, ऊपर तक सब पीला हो गया, बहुत तेज आएगी लहरें और इस बार तो और भी तेज आ रही है। आगे चलो 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 आगे चलो, भीग जाएंगे नहीं तो। बाकी यार ये जगह बहुत रिलैक्सिंग है, थोड़ी देर बैठेंगे एंजॉय कर रहे हैं। अभी लहरें आ गई है, देखिए क्या बात है। अभी हमें अरेबियन सी के बिल्कुल बगल में, भाई अच्छे वाली लहर नहीं आ रही, बड़ी आएगी ये आई, ऐसा लग रहा है पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है। ओए ओए बिगा मत। ये बढ़िया था, ये बढ़िया था भाई, पानी के धागा था। देख पीछे आ जा और भाई के पीछे आ जा, पीछे आ जा हो गया हूँ। मजा आ गया यार इस जगह पे आके। एंड ये अपना भाई अभी तसल्ली से इसका मूड फ्रेश हुआ है तो ये आया है और दो लहरों का आप सामना कर रहे हैं। क्यों भाई, बस मेरा पर्स नहीं भीगना चाहिए। मेरे पास तभी तो डर है। बड़ी लहर, बड़ी लहर, बच के बच के, जाके कपड़े चेंज कर लेंगे गाड़ी में। ये लहर बहुत बड़ी है भाई, भाई बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही है। सीरियसली सच एन अमेजिंग प्लेस एंड आई लव इट। बीच पे नहा के भी आ चुके हैं, कपड़े भी चेंज कर लिए, अब थोड़ा सा मार्केट में दोबारा जा रहे हैं। सोमनाथ की कोई ऐसी निशानी, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ की एक स्पेशल कोई भी एक चीज़ ले लेता हूँ। आने वाले टाइम में मेरे रूम में पूरे इंडिया की एक एक चीज़ तो होगी, बाहर की भी होगी, तो उस हिसाब से मैं सोमनाथ की कोई एक निशानी लेने जा रहा हूँ।
सोमनाथ मत्था टेकने के बाद मैं अभी आया हूँ बस स्टैंड पे और यहाँ से अपने दोस्त को मैंने चढ़ा दिया है। वो जाएगा राजकोट और राजकोट से सीधा जयपुर और अपने यहाँ से टर्न लेके मैं अभी जा रहा हूँ गिर फॉरेस्ट के लिए। अपने मॉन्स्टर को रिफ्यूल कर रहे हैं एंड आज का स्टे गिर के आसपास ही कहीं करेंगे एंड कल सफारी करेंगे। तो गिर में काफी ज्यादा लाइंस देखने को मिल सकते हैं तो गिर जाएंगे। अभी मैं अकेला हो गया हूँ, साथ वाले को हमने बस चढ़ा दिया है, वो कल तक शायद जयपुर पहुंच जाएगा। मेरा अभी ट्रैवल कंटिन्यू रहेगा, गुजरात के कुछ पार्ट्स और बच रहे हैं जो मेरे को अभी कवर करने हैं, उसके बाद आगे के प्लान अभी मुझे खुद नहीं पता। मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि आज मैं जल्दी से पहुँच के और कहीं स्टे करता हूँ और टाइम से आज थोड़ा रेस्ट करने का मन है। गिर के अंदर आ गए हैं, गिर फॉरेस्ट इलाका शुरू हो जाता है यहाँ से। ये देखो ये मेन गेट है और ये अंदर पूरा जंगल वाला रास्ता है, तो जंगल वाले रास्ते से होते हुए हम जाएंगे। वैसे ये बेसिक सी बात है, यहाँ बड़ी छोटी बात है ये इस एरिया के हिसाब से कि यहाँ पे ना मतलब शेरवेर लेपर्ड मतलब दिख भी सकते हैं, मेन रोड तक भी आ जाते हैं वो। मेरे को यहाँ के लोकल दोस्त ने बोला कि कैंपिंग तो सोच भी मत लेना भाई इधर, क्योंकि रात में लेपर्ड उठा के ले जाएंगे। तो गाइस होटल ही देखेंगे आज एंड ऐसे इलाके से होते हुए हम आगे सासन पहुंचेंगे और वहां हम आज का स्टे करेंगे। यहाँ से भी जस्ट सूअर निकल के इधर गया इधर आगे की तरफ, यानी इस रोड पे हमें छोटे छोटे जानवर तो मिलते रहेंगे। एक विलेज आए ये कोई रस्ते में और यहाँ के ना गांव बड़े छोटे छोटे से हैं, थोड़े अच्छे लग रहे हैं गांव। कैसे कैसे गांव आ गए हैं, बड़े छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल। हाँ भी गुजरात में भी कई सारी जगहों पे जैसे रण की साइड में थोड़ा अलग दिखा, इधर अलग, और बाकी मैं अभी को बड़े सिटीज में तो एंटर अभी तक हुआ नहीं हूँ। गिर नेशनल सेंचुरी का मेन गेट यहाँ हम कल देखने के लिए आएंगे, अभी कहीं स्टे का ऑप्शन देखते हैं एक बार। तो हाँ मैं अभी सासन में पहुंच गया हूँ और यहाँ अपने को सबसे पहले रुकने का अरेंजमेंट्स देखना है। पहले ये मिल गया अपने को, तो गिर पहुंच गया हूँ मैं और यहाँ अपने को रूम भी मिल गया है। जो रोड पे आपको मिलते हैं ना इनके कहने पे रूम मत लेना, खुद जाके देखो तो बढ़िया रूम मिलता है, तो मैंने अच्छा रूम ले लिया। खाने पीने का देख लेंगे थोड़ी देर में, अभी बैठ के एडिटिंग करते हैं पहले। इसका हमारा रूम ये है एंड काफी प्यारा सा रूम है, आप देख सकते हो मैं सारा सामान लेके आ चुका हूँ। यहाँ मैं आया हूँ डिनर करने के लिए एंड डिनर लाइट चली है मैंने जस्ट, क्योंकि स्टमक प्रॉब्लम चल रहा है। कौन सा रायता विद सैलेड विद रोटीज आ गया है, तो जहाँ से हमने डिनर किया वहाँ देखो बॉनफायर चल रहा था एंड अभी खाना खाने के बाद बस दो मिनट यहाँ बैठते हैं, उसके बाद चलेंगे वापस रूम में और आज का दिन खत्म करेंगे। आज का मेरा स्टे है गिर गुजरात में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, टिल देन लव लाइफ, बाय बाय। और हां चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर बिल्कुल मत जाएं।